Hey guys, welcome back to my YouTube channel Talk Thrills. So, आज ना मैं स्वेट्स बर्डी के लिप क्रीम का रिव्यू करने वाली हूँ. ये है वो लिपस्टिक और मेरे पास इसका जो शेड है वो मैं आपको बताऊँगी कहाँ से परचेज किया, कितने में लिया, मैं आपको सब बताने वाली हूँ. शेड मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है तो मेरे साथ बिल्कुल इस वीडियो में एंड तक बने रहना. बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यू है एक परफेक्ट मैट लिप क्रीम लिपस्टिक के बारे में. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो हेयर्स द लिपस्टिक एंड मेरा जो शेड है इसमें N08 है जो मैंने अभी एट प्रेजेंट अप्लाई किया हुआ है. मैंने परफेक्टली अप्लाई नहीं किया हुआ है. ये जो शेड है ना थोड़ा डार्किश शेड है तो मैंने इसको थोड़ा सा ना अप्लाई करके फिर उसे फिंगर से जो है फैला लिया था ताकि वो प्रॉपर मतलब इतना ज़्यादा डार्क ना लगे. ये जो शेड है पार्टी वेयर शेड है. आप इसे अगर किसी पार्टी वगैरह में अप्लाई करते हैं क्योंकि ये कंपैरेटिवली डार्क शेड है तो डे के अकॉर्डिंग मैंने इसे थोड़ा सा अप्लाई किया था और उसे फिर पूरे में अपने हैंड से फैलाया. तो आप देखिए कि आपको किस अकॉर्डिंग से अप्लाई करना है. बाकी मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो क्रीम लिपस्टिक है इतनी ज़्यादा डार्क और टिंटेड है, एक्स्ट्रा टिंटेड है. आप बिल्कुल थोड़ा सा लगाएंगे पूरा परफेक्ट टिंट आपके लिप्स पे आता है. इसका 249 रुपीज़ इसकी MRP है. और ना इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि क्रीम लिपस्टिक होते हुए भी इतनी परफेक्ट मैट और लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है. ऑनलाइन इस पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट चलता है तो मुझे ये अप्रॉक्स 200 में पड़ी थी. और ये जो लिपस्टिक है इसमें 23 शेड्स आपको अलग अलग मिल जाएंगे. सो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बजट फ्रेंडली परफेक्ट लिपस्टिक है. और टिंटेड लिपस्टिक की सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें टिंट होता है ना वो परफेक्टली जो इसमें आपको दिया हुआ है शेड वही टिंट आपको मिलेगा. अगर आप नायका से लेंगे ना तो वहाँ पे शेड आपको प्रॉपर दिख जाते हैं. अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे शेड अगर जो दिखते हैं वो कई बार ऐसा होता है कि नहीं आते. बट नायका पे जो शेड आपको शो कर रहा है ना गाइस वही लिपस्टिक का शेड निकलेगा. तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं नायका पे लिपस्टिक खरीदने और कॉस्मेटिक्स को लेकर के. तो इसमें ये एप्लीकेटर दिया हुआ है जिससे यू कैन परफेक्टली अप्लाई द लिपस्टिक तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है और जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट भी नहीं होता है. तो ओवरऑल ये लिपस्टिक ना बजट फ्रेंडली है. सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका जो टिंट है वो बहुत परफेक्ट है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग स्टे करती है. अगर आप कोई लॉन्ग लास्टिंग पार्टी वेयर लिपस्टिक देख रहे हैं तो आप स्विस रेडी की लिप क्रीम एक बार मंगवा के देखिए. ये जो है लॉन्ग आवर्स स्टे करती है, 7 to 8 hours स्टे आपके लिप्स पे करेगी. तो विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड. और चाहिए भी क्या होता है एक अच्छी लिपस्टिक में, राइट? तो आपको ये मेरा रिव्यू इस लिपस्टिक के बारे में कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. नायका का लिंक तो मैं डाल ही देती हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.